अस्सलाम वालेकुम। आज के स्केचअप के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि मटेरियल को एडिट कैसे करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मटेरियल को अप्लाई कैसे करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि उसको एडिट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मटेरियल है वुड का, तो पहले यहाँ पे एडिट लिखा हुआ है स्लाइड के साथ, हम एडिट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर इसकी पूरी सेटिंग आ गई जहां से हम मटेरियल को एडिट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इसमें, कलर व्हील HLS है, HSB है और RGB है। हम RGB वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे डिफरेंट कलर्स आ गए हैं। अभी वो कलर है हमारे पास जो उसका एक्चुअल कलर है। अगर हम इसकी डार्कनेस में इजाफा करना है तो हम इसको हल्का सा नीचे लेके जाएंगे, ये आप देख रहे हैं कि ये डार्क हो रहा है, और अगर इसको थोड़ा सा हमें लाइट करना है तो ये ऊपर से लाइट हो रहा है। यहां से हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। हमारा मटेरियल वुडन में है और उसका सिर्फ कलर चेंज हो रहा है, नीचे पैटर्न सेम है। तो हम अभी इसको हल्का सा रखेंगे, ये देखिए वुडन वुडन पैटर्न है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हम कोई भी मटेरियल जो हमने खुद से बनाया हुआ है फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर या किसी भी फाइल में हमने वो बनाया हुआ है, या फिर हमारे पास किसी मटेरियल की पिक्चर है, तो हम उसको यहाँ से उसकी लोकेशन ऐड करके हम उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे हमारे पास विड्थ और हाइट, हम इस मटेरियल की विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास अभी 6 फीट है तो हम कर देते हैं 8 फीट, 8 फीट करते हैं। तो ये देखें जैसे हमने 8 फीट किया तो मटेरियल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है। और इसके साथ है हमारे पास ओपेसिटी। अब ओपेसिटी को जैसे हम डाउन करते हैं, ये देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। अगर हम ओपेसिटी को जैसे बढ़ाते जाएंगे, ये देखें इसके कलर में इजाफा तो जाता है और ये बिल्कुल अब डार्क हो गया। अब ओपेसिटी इसकी 100% पे है। अगर आपने कोई भी कलर को सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली आप यहां से सिलेक्ट में आ सकते हैं, यहां से इसकी जो पेंट वाली पेंसिल से बनी हुई है इसको आपने सिलेक्ट करना है। और अगर हमें एक ग्लास मटेरियल चेक करना है तो हम इसको सिंपल सिलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास मटेरियल आ गया। अगर हम इसको ऐड करना है मटेरियल हमारे पास ये आ गया, और इसको सिंपल हम एडिट में जाके हम इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ग्लास की ट्रांसपेरेंट जो है अब वो अब ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए और अभी ये डार्क उसमें जा रहा है। देखिए इसके में कलर चेंज हो रहे हैं और इसके कलर हम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये इसका ग्लास का कलर ग्रीन हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टेक्सचर जो है एडिट करना अच्छे तरीके से आ गया होगा। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।